समय से पहले उम्मीदवार घोषित करने पर विवाद होने लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत की है, तो घोषित उम्मीदवारों के खर्च को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। तो नामांकन के पहले ही करोड़ों खर्च कर रहे उम्मीदवार, ये कहना है कांग्रेस का। घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की मांग कांग्रेस ने की है। तो नॉमिनेशन के पहले का खर्च चुनाव खर्च में जोड़ा जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। तो दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा और बसपा ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत कर दी है। घोषित उम्मीदवारों के खर्च को लेकर आपत्ति कांग्रेस पार्टी ने जताई है। शिकायत करते हुए घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की मांग कांग्रेस ने की है। तो नामांकन के पहले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे उम्मीदवारों की ओर से, ये कहना है कांग्रेस का। और इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पहुंची, मामले की शिकायत की और ये मांग की जा रही है कि नामांकन के पहले करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखी जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार तो घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने, लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं विवाद हमें देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार तो घोषित कर दिया है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर उम्मीदवारों के खर्च को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है, शिकायत भी की है। देखिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा की है और 39 जो अपने प्रत्याशी वो घोषित किए हैं। इसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार जैसी जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुके हैं, सभाएं होने लगी हैं, प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस ने इसको आपत्ति दर्ज कराई, इसमें खासतौर से निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन दिया है, शिकायत दर्ज कराई है कि तय समय से पहले एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और खासतौर से हर एक उम्मीदवार का चुनावी खर्च फिक्स होता है जिसका ब्यौरा उसको निर्वाचन आयोग में देना होता है, जो भारत सरकार भारत निर्वाचन आयोग है उसमें देना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी से चुनाव प्रचार शुरू हो गया तो करोड़ों रुपए का चुनाव प्रचार है वो प्रत्याशी कर सकते हैं। तो ऐसे में यही कारण है कि शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे प्रत्याशी जो खासतौर से अभी 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं उनके चुनाव प्रचार पर नजर रखे और जो भी खर्च होता है वो खर्च उनके खाते में जोड़ा जाए, क्योंकि एक राशि निश्चित है। जैसे हमने पिछली बार देखा था 50 लाख तक की राशि जो है निर्वाचन आयोग ने तय की गई थी, इस बार भी एक निश्चित राशि जो है विधायक के चुनाव प्रचार में तय की जाती है, तो उससे अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं आप। तो यही कारण है कि कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है निर्वाचन आयोग को शिकायत दी है कि नजर रखें और जो सख्त कार्रवाई करें यदि इससे ज्यादा खर्च होता है, तो क्योंकि चुनाव से पहले ही घोषणा प्रत्याशियों की गई, तो कहीं ना कहीं चुनाव के प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ रही है। बिल्कुल, जो तय पैमाने चुनावी खर्च के उससे ज्यादा बीजेपी प्रत्याशी खर्च कर रहे, इस पर आपत्ति उठाई है कांग्रेस ने और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है निर्वाचन आयोग की ओर से। फिलहाल शुक्रिया आपका मसला जोड़ने के लिए सूरज और तमाम जानकारी के लिए।